हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुसेट हरियाणा। माई सेल्फ मोनिका यादव, PGT कंप्यूटर साइंस, NJEE++ पचगांव। हमने आज अब तक C++ के बारे में जाना, ऑब्जेक्ट क्लासेस के बारे में जाना, मेंबर फंक्शन के बारे में पढ़ा, एरे यूज्ड इन क्लास पढ़ा, फ्रेंड फंक्शन के बारे में पढ़ा, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। आज हम C++ में इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, और इसके टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके टोटल 5 टाइप होते हैं, तो उनमें से आज मैं 2 के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, बाकी के 3 हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इनहेरिटेंस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस एक की फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का C++ में। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है C++ के अंदर। इसमें हम एक नई क्लास बनाते हैं पुराने क्लास का यूज करके। मान लो पहले से कोई एक क्लास एग्जिस्ट कर रही है और उस क्लास का यूज करके हम नई क्लास बना रहे हैं, ये इनहेरिटेंस है। फॉर एग्जाम्पल कि इनहेरिटेंस को हिंदी में बोलते हैं विरासत। तो जब हम ये कहते हैं कि हमें कोई चीज़ विरासत में मिली है तो वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब किसी फादर से उसके बच्चे को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती है, मतलब विरासत में कोई जब चीज़ मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। वही सेम कंसेप्ट यहाँ C++ में अप्लाई होता है। क्या होगा, जब हम पुरानी क्लास से नई क्लास बना रहे हैं तो वो इनहेरिटेंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिख रखा है, इट अलाउज अस टू क्रिएट न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। मतलब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास से हम एक नई क्लास बना रहे हैं, उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस। अब जो पुरानी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लास है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है जो क्लास, उसको बेस क्लास बोलते हैं, मतलब पेरेंट बोलते हैं। और जो नई क्लास हम बना रहे हैं उस बेस क्लास का यूज करके, वो डिराइव क्लास कहलाती है। तो डिराइव क्लास क्या होगी, द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास। जो किसी दूसरी क्लास से बनी है वो डिराइव क्लास है, और बेस क्लास क्या होगी, द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम। बेस क्लास वो होगी जिस क्लास से कोई डिराइव क्लास बनी है, तो वो मेरी बेस क्लास है। बेस क्लास को पेरेंट बोलते हैं, डिराइव क्लास को चाइल्ड बोल सकते हैं। और टू इनहेरिट फ्रॉम ए क्लास यूज द कोलन सिंबल। जब हम किसी डिराइव क्लास को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हम कोलन सिंबल का यूज करते हैं। तो ये हो गया इनहेरिटेंस, और इसमें मेनली आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक बेस क्लास एक डिराइव क्लास, कौन सी बेस क्लास है कौन सी डिराइव क्लास है। और एक चीज़ और है कि जब जो हमारी ड्राइव क्लास होती है वो बेस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, और ड्राइव क्लास के खुद के अपने मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारा इनहेरिटेंस है, जिसमें क्या हो रहा है, ड्राइव क्लास मतलब एक डिराइव क्लास बन रही है, न्यू क्लास बन रही है, किसका यूज करके, एक पुरानी क्लास का यूज करके हम नई क्लास बना रहे हैं। डिराइव उसको बोलेंगे जो बनी है, और बेस क्लास जो पहले से प्रेजेंट है, जिससे हमारी ड्राइव क्लास बनी है, वो हमारी बेस क्लास है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम किसी डिराइव क्लास को कैसे बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर, अब हम वो सीखेंगे। देखिए डिराइव क्लास को जब आप लिखोगे तो आपको एक सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसको लिखने का थोड़ा अलग तरीका है। जब आप किसी बेस क्लास को लिखते हो तो सिंपल जो हम क्लास जो हमने पहले बनानी सीखी थी, कैसे बनाते थे, क्लास फिर क्लास का नेम फिर ब्रैकेट शुरू करके उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन के बारे में लिखते थे और क्लास को बंद कर देते थे, ये हमारी बेस क्लास होगी। लेकिन अब हमें डिराइव क्लास किसी प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखेंगे, अब हमें वो सीखनी है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्लास लिखना पड़ेगा, फिर डिराइव क्लास का नेम लिखना पड़ेगा, जो भी डिराइव क्लास का नेम है, फिर इसमें कोलन आएगा, सिंगल कोलन आएगा, फिर विजिबिलिटी मोड आएगा। विजिबिलिटी मोड 3 प्रकार के हो सकते हैं,
पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, सेम वही जो आपने एक्सेस स्पेसिफायर में पढ़ा था, वही यहाँ पर विजिबिलिटी मोड कहलाता है। और फिर बेस क्लास का नेम, जो भी बेस क्लास का नेम है। तो यहाँ पर देखिए, इस सिंटेक्स को लिखने का फ़ायदा क्या है, क्यों लिखते हैं हम ये सिंटेक्स? तो सीधी सी बात है, जब कोई डिराइव क्लास बनती है वो किसी बेस क्लास का यूज़ करके बनती है। तो जब हम डिराइव क्लास का सिंटेक्स लिखते हैं तो उसमें बेस क्लास का नाम भी तो आना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ये जो डिराइव क्लास है ये इस बेस क्लास से बनी है। इसलिए इसको लिखने का थोड़ा अलग तरीका होता है, जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले क्लास, फिर डिराइव क्लास का नेम, फिर कोलन, फिर विजिबिलिटी मोड, फिर बेस क्लास का नेम, फिर ब्रैकेट शुरू करके जो भी डिराइव क्लास के मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शन है, वो लिखेंगे और फिर क्लास को बंद कर देंगे। अब देखिए, इसमें जो हमारी, मान लो डिराइव क्लास मेरी बी है और बेस क्लास मेरी ए है, तो इसको कैसे लिखेंगे? क्लास, फिर बी, फिर सिंगल कोलन, फिर विजिबिलिटी मोड, मान लो पब्लिक है, फिर बेस क्लास का नेम जो ए है। तो आप इस तरीके से किसी भी डिराइव क्लास को डिक्लेयर कर सकते हो और उसकी बॉडी लिख सकते हो। तो ये हो गया डिराइव क्लास का सिंटेक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर। अभी हमने पढ़ा कि सिंटेक्स में हम विजिबिलिटी मोड लिखते हैं, तो जो विजिबिलिटी मोड है वो तीन टाइप के हो सकते हैं C++ में, इनहेरिटेंस में: पब्लिक विजिबिलिटी मोड, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड और प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड। इन तीनों के अकॉर्डिंग हमारे कुछ केसेस बनते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला केस है कि अगर बेस क्लास मेरी प्राइवेट है, देखिए यहाँ पर अगर बेस क्लास प्राइवेट है और डिराइव क्लास जो है उसका विजिबिलिटी मोड प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक कुछ भी हो, तो वो इनहेरिट नहीं हो सकती। इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, जब बेस क्लास का विजिबिलिटी मोड है आपका प्राइवेट हो, तो आप इनहेरिट नहीं कर सकते किसी भी डिराइव क्लास में, उसके मेंबर्स को इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया, बेस क्लास अगर मेरी प्राइवेट है तो क्या होगा, तो इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। डिराइव क्लास भले ही प्राइवेट हो, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, कुछ भी हो, अगर बेस क्लास प्राइवेट है तो इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, यहाँ पर अगर बेस क्लास प्रोटेक्टेड है, तो डिराइव क्लास अगर प्राइवेट मोड में है तो वो प्राइवेट रहेगी, प्रोटेक्टेड में है तो वो प्रोटेक्टेड रहेगी, और पब्लिक डिराइव करना चाहते हो तो वो प्रोटेक्टेड हो जाएगी। तो प्रोटेक्टेड में प्राइवेट प्राइवेट रहेंगे, प्रोटेक्टेड डिराइव मोड प्रोटेक्टेड रहेगा, लेकिन अगर पब्लिक अगर आप डिराइव करना चाहते हो तो वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अब आते हैं अगर बेस क्लास पब्लिक है, थर्ड कंडीशन पर। अगर मेरी बेस क्लास पब्लिक है तो डिराइव क्लास प्राइवेट मोड में प्राइवेट रहेगी, डिराइव क्लास प्रोटेक्टेड मोड में प्रोटेक्टेड रहेगी और पब्लिक में पब्लिक रहेगी। तो अगर बेस क्लास मेरी पब्लिक है तो डिपेंड करता है आप डिराइव क्लास कैसे इनहेरिट करना चाहते हैं। प्राइवेटली इनहेरिटेड करना चाहते हो तो प्राइवेट हो जाएगी, पब्लिक करना चाहते हैं तो पब्लिक हो जाएगी, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेड करना चाहते हो तो प्रोटेक्टेड हो जाएगी। टोटली डिपेंड ऑन डिराइव क्लास, आप किस टाइप का करना चाहते हो उसी टाइप की हो जाएगी। तो आपको इन तीनों केसेस का पता होना चाहिए कि बेस क्लास अगर मेरी प्राइवेट है तो इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, भले ही आप डिराइव क्लास कुछ भी ले रहे हो, पब्लिक ले रहे हो, प्रोटेक्टेड ले रहे हो, प्राइवेट ले रहे हो। लेकिन अगर बेस क्लास मेरी प्रोटेक्टेड है तो डिराइव क्लास अगर प्राइवेट करना चाहते हो तो प्राइवेट रहेगी, प्रोटेक्टेड करना चाहते हो तो प्रोटेक्टेड रहेगी, लेकिन अगर आप पब्लिक मोड में करना चाहते हो तो वो प्रोटेक्टेड रहेगी, वो पब्लिक नहीं रहेगी। अच्छा, अगर बेस क्लास पब्लिक है तो वो डिपेंड करता है कि आपने ड्राइव क्लास क्या ली है। ड्राइव क्लास अगर आप प्राइवेट ले रहे हैं तो प्राइवेट इनहेरिटेंस पॉसिबल है, और प्रोटेक्टेड अगर आप ड्राइव क्लास का विजिबिलिटी मोड ले रहे हो तो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, और पब्लिक ले रहे हो तो पब्लिक।
तो ये हमारे तीन केसेस हो गए, आपको इन तीनों का ध्यान रखना है। तो चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। देखिए सी प्लस प्लस के अंदर जो इनहेरिटेंस है वो टोटल पांच टाइप के हो सकते हैं। उसमें पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, फिर है मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इन सब में बेस क्लास होती है और डराइव क्लास होती है। किसी में एक बेस क्लास है, किसी में एक डराइव क्लास है, किसी में दो बेस क्लास है, दो से ज़्यादा बेस क्लास है, किसी में एक ही ड्राइव क्लास है, किसी में एक बेस क्लास है, दो से ज़्यादा डराइव क्लास है, किसी में इनका कम्बिनेशन है। तो जो हमारी ड्राइव क्लास है और बेस क्लास है, इनके हिसाब से ही पांच टाइप के इनहेरिटेंस बनाए हुए हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखिए सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें एक बेस क्लास से एक डिराइव क्लास बन रही है। तो ये मेरा सिंगल, सिंगल मतलब एक, एक बेस क्लास है, एक डिराइव क्लास है, तो एक बेस क्लास से एक डिराइव क्लास बन रही है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो बेस क्लास है वो ए है और डिराइव क्लास है वो बी है। तो ए से बी बन रही है, तो बी डिराइव क्लास है, ए बेस क्लास है। तो यहाँ पर एक ही बेस क्लास है और एक ही डिराइव क्लास है, तो ये कौन से टाइप का इनहेरिटेंस हुआ, ये सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। देखिए क्या लिख रखा है इसमें, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वन डिराइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास, इट इज़ मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है जिसमें एक बेस क्लास से हम एक डिराइव क्लास बनाते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर इन सिंगल इनहेरिटेंस को समझाती हूँ। देखिए क्या लिख रखा है, हैस इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिखा, यूजिंग नेम स्पेस एस्ट्रिड लिखा, जो हम अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में पहले लिखते हैं, फिर एक क्लास बनाई बेस नाम से। तो ये मेरी बेस क्लास है, उसमें उस क्लास को स्टार्ट कर दिया और इंटीजर एक्स मतलब एक डेटा मेंबर ले लिया और उसका नाम एक्स है और उसका डेटा टाइप इंटीजर है और वो पब्लिक है। फिर उसके बाद एक फंक्शन बना दिया गेट डेटा के नाम से, उसमें मैंने एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स मतलब एक्स की वैल्यू को एंटर करा दिया, फंक्शन को बंद कर दिया, क्लास को बंद कर दिया। तो सिंपल सी चीज़ है, एक क्लास बनाई है जिसका नाम बेस है और वो एक्चुअली में भी हमारी बेस क्लास है, और उसमें एक वेरिएबल ले लिया एक्स जो डेटा मेंबर है और गेट डेटा फंक्शन ले लिया जिसमें हम एक्स की वैल्यू को एंटर करा रहे हैं और फिर क्लास को बंद कर दिया। तो ये मेरी बेस क्लास होगी। अब आगे देखिए, अब एक डिराइव क्लास बनाई। तो आपको पता है कि डिराइव क्लास कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्लास लिखते हैं, फिर डिराइव क्लास का नेम लिखते हैं, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर विजिबिलिटी मोड आएगा और फिर बेस क्लास का नाम आएगा। तो यहाँ पर क्या किया है, क्लास फिर डिराइव लिखा है क्योंकि यहाँ पर डिराइव क्लास का नेम जो है वो डिराइव है, और फिर कॉलन लगाया और विजिबिलिटी मोड पब्लिक लिया है और बेस क्लास का नाम क्या है, बेस है। तो इस लाइन से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक डिराइव क्लास बनी है जो किससे बनी है, जो जिसकी बेस क्लास क्या है, बेस है। उसको फिर क्लास को स्टार्ट कर दिया और एक उसमें डेटा मेंबर ले लिया वाई के नाम से और उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो प्राइवेट है, और फिर एक फंक्शन ले लिया रीड डाटा के नाम से जो क्या करा रहा है, वाई की वैल्यू को एंटर करा रहा है। तो सी आउट में लिख दिया एंटर वैल्यू ऑफ वाई और सी इन से वाई की वैल्यू एंटर करा दी और फंक्शन को बंद कर दिया। तो इसमें आपको क्या किया है, इस फंक्शन में रीड डाटा में वाई की वैल्यू को एंटर कराया है। फिर आगे देखिए क्या लिख रखा है, void product, product नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें हम क्या करा रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, उनका प्रोडक्ट करा रहे हैं। तो सी आउट में लिखा प्रोडक्ट इज इक्वल टू और एक्स स्टार वाई, मतलब x की वैल्यू हमारे पास बेस क्लास में आ चुकी है और y की वैल्यू हमारी इस ड्राइव क्लास में रीड डेटा फंक्शन से आ गई है। तो मैं प्रोडक्ट में x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा रही हूँ और फिर प्रोडक्ट फंक्शन को बंद कर दिया है और उसके बाद क्लास को बंद कर दिया है। तो यहाँ पर कौन सी क्लास को बंद कर रही हूँ, मैं डिराइव क्लास को बंद कर रही हूँ। तो
अब तक प्रोग्राम में हमने क्या किया है, एक बेस क्लास बनाई है जिसमें x की वैल्यू को एंटर करा दिया, एक डिराइव क्लास बनाई है जिसमें दो फंक्शन ले लिए, एक में y की वैल्यू को एंटर करा दिया और एक में x और y दोनों के मल्टीप्लाई करा दी। और डिराइव क्लास कैसे लिखेंगे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या सिंटेक्स के अकॉर्डिंग डिराइव क्लास लिखी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब मेन फंक्शन लिया है, मेन फंक्शन में हमने, और सबसे पहला काम क्या होता है जब हम C++ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो मेन फंक्शन में सबसे पहला काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाना। तो यहाँ पर मेरे पास दो क्लासेज हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा इनहेरिटेंस का क्या यूज हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास दो क्लासेज हैं, एक बेस क्लास है एक डिराइव क्लास है। तो कायदे के हिसाब से हमें दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाना है, एक बेस क्लास का एक डिराइव क्लास का। लेकिन अब हमें यहाँ पर, क्योंकि हम इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिराइव जो क्लास है वो बेस क्लास से बनी है, तो जाहिर सी बात है कि जो डिराइव क्लास है वो बेस क्लास के मेम्बर्स को एक्सेस कर सकती है, और डिराइव क्लास के जो खुद के मेंबर्स हैं उनको तो वो एक्सेस कर ही सकती है। तो यही तो इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस मतलब जो जो चीज़ हमें पीछे से मिली है वो भी है और साथ में उसकी खुद की भी है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था, किसी कोई फादर है उससे उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चे को मिल रही है, उसके चाइल्ड को मिल रही है, तो फादर ने जो प्रॉपर्टी उसको दी है वो भी है उसके पास, और बच्चे ने या फिर उस चाइल्ड ने अपनी खुद की जो प्रॉपर्टी बनाई है वो भी है उसके पास। वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि जो डिराइव क्लास है वो बेस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस तो कर ही सकता है और साथ में अपने क्लास के मेंबर्स को तो एक्सेस कर ही सकता है। तो ये हमारा इनहेरिटेंस हो गया। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमें ड्राइव क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू ही आप बेस क्लास को भी एक्सेस कर सकते हो और ड्राइव क्लास को भी एक्सेस कर सकते हो। तो देखिए क्या लिखा है, डिराइव ए, तो डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम ए है और फिर ए से गेट डेटा को कॉल कर दिया। मतलब अगर आप ये कहो कि गेट डेटा को क्यों कॉल कर रहे हैं ए से, क्योंकि ए तो हमारा ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो वो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम ए के थ्रू गेट डेटा को कॉल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डिराइव क्लास के पास एक्सेस है कि वो बेस क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर गेट डेटा में क्या था, तो गेट डेटा कौन सा फंक्शन था, ये है गेट डेटा, बेस क्लास का फंक्शन था और उसमें क्या हो रहा है, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू को एंटर करा रहे हैं। मान लो एक्स की वैल्यू 5 एंटर करा दी है, फिर लिख रखा है ए डॉट रीड डाटा, और ये तो आपको पता ही है कि किसी फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम फिर डॉट फिर उस फंक्शन का नाम। तो रीड डाटा में क्या था, वाई की वैल्यू को एंटर करा रहे हैं। मान लो वाई की वैल्यू आप 10 एंटर करा रहे हो, तो एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद है ए डॉट प्रोडक्ट, अब हम प्रोडक्ट को कॉल कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट कौन से क्लास का फंक्शन है, डिराइव क्लास की क्लास का फंक्शन है। तो प्रोडक्ट में क्या करा रहे थे, एक्स और वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा रहे थे, तो एक्स की वैल्यू 5 है वाई की वैल्यू 10 है, तो प्रोडक्ट क्या आउटपुट देगा हमें, 5 × 10 = 50। तो उसके बाद हमने मेन फंक्शन को बंद कर दिया। तो ये मेरा फुल प्रोग्राम हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का। इसमें मेरे पास एक बेस क्लास है एक डिराइव क्लास है, और जो डिराइव क्लास है वो किससे बनी है, उस बेस क्लास से बनी है। और यहाँ पर मेन जो इनहेरिटेंस का यूज हो रहा है वो मेन फंक्शन में पता चल रहा है, जहाँ पर हमने सिर्फ दो ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करने की बजाय सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने दोनों क्लासेस को एक्सेस कर लिया। यही हमारा सिंगल इनहेरिटेंस है। तो आई होप कि आपको सिंगल इनहेरिटेंस समझ आ गया होगा। आप इस पर और भी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट हर प्रोग्राम में सेम रहेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका सेकंड टाइप है।
हमने सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लिया, जिसमें एक बेस क्लास होती है, एक सिंगल डिराइव क्लास होती है। देखिए मल्टी लेवल में क्या होता है, इसमें हमारे पास एक बेस क्लास होती है, फिर उससे एक डिराइव क्लास बनती है, और उस डिराइव क्लास से हम एक और डिराइव क्लास बना सकते हैं, वो हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, बेस क्लास से डिराइव क्लास बन रही है, फिर उस डिराइव क्लास से हम एक और डिराइव क्लास बना देते हैं अगर, तो वो सिंगल इनहेरिटेंस ना होने की बजाय क्या कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस बन जाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाता है। डेफिनेशन देखें इसकी, इफ़ ए क्लास इज डिराइव फ्रॉम अनदर डिराइव क्लास, जब कोई क्लास एक और डिराइव क्लास से बन रही है, डिराइव क्लास ही किसी और डिराइव क्लास से बन रही है, तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। सो इन सी प्लस प्लस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ए क्लास हैज मोर देन वन पेरेंट क्लास। तो देखिए डायग्राम में इसको दिख रहा है आपको कि मेरी ए जो है वो बेस क्लास है और जो बी है वो डिराइव क्लास है। तो जो बी है वो किससे डिराइव हुई है, ए से। तो ए बेस क्लास है, बी डिराइव क्लास है, जिसकी बेस क्लास ए है। फिर एक और क्लास बन रही है सी, जो किससे डिराइव हो रही है, बी से। तो बी मेरी ऑलरेडी डिराइव क्लास थी, तो डिराइव क्लास से एक और डिराइव क्लास बना दी जिसका नाम सी है। तो जो सी है उसके लिए बेस क्लास क्या होगी, बी होगी। तो ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, तो सबसे पहली बात है कि अगर हम तीन क्लास बना रहे हैं जिसमें एक बेस क्लास है, एक डिराइव क्लास है, और फिर उस डिराइव क्लास से एक और डिराइव क्लास बन रही है, तो हम उस हिसाब से उसका सिंटेक्स देखिए क्या होगा। क्लास ए बनानी है और वो मेरी बेस क्लास है, और उसके जो भी डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, उनको लिखोगे। फिर एक क्लास बी बनाई है जो किससे डिराइव हुई है, ए क्लास से, मतलब उसकी बेस क्लास क्या है, ए है। तो क्लास बी, फिर कोलन, फिर एक्सेस स्पेसिफायर, और फिर ए। तो ए बेस क्लास है बी क्लास, बी की, बी मेरे ड्राइव क्लास है, ए बेस क्लास है, और उसके जो भी डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, उनके बारे में लिखोगे और बी क्लास को बंद कर दोगे। फिर सी क्लास है जो किससे डिराइव हुई है, बी से डिराइव हुई है। तो क्लास सी, फिर कोलन, फिर एक्स स्पेसिफायर बी। तो क्लास सी के लिए जो बेस क्लास है वो बी है, और उसके जो डेटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शन है, उनके बारे में लिखोगे और क्लास को बंद कर दोगे। तो मेनली यहाँ पर मैंने जो सिंटेक्स लिखा है उसमें तीन क्लास बनाई है, क्लास ए, बी और सी। ए बेस क्लास है, बी और सी दोनों डिराइव क्लास है, बी ए से डिराइव हुई है और सी बी से डिराइव हुई है। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब मैं आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। एक प्रोग्राम बना रखा है यहाँ पर, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या लिख रखा है, हैस इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। क्लास बनाई बेस के नाम से, वही मेरी बेस क्लास होगी। क्लास को स्टार्ट कर दिया, एक्स एक वेरिएबल ले लिया, मतलब डेटा मेंबर ले लिया जो पब्लिक है। फिर एक फंक्शन बनाया गेट डेटा के नाम से, उसमें x की वैल्यू को एंटर करा रहे हैं। तो सी आउट में लिखा एंटर वैल्यू ऑफ x, और सी इन से x की वैल्यू को एंटर करा दिया। फिर फंक्शन को बंद कर दिया, क्लास को बंद कर दिया। तो मेरी बेस क्लास क्या काम कर रही है, x की वैल्यू को एंटर करा रही है। x मैंने एक डेटा मेंबर लिया यहाँ पर। आगे देखिए, फिर एक ड्राइव क्लास बनाई है ड्राइव वन के नाम से। तो कैसे लिखोगे, पहले क्लास, फिर ड्राइव क्लास का नाम, यहाँ पर ड्राइव वन है, फिर कोलन लगाया, फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, उसका विजिबिलिटी मोड हो गया, और फिर जिस क्लास से वो ड्राइव हुई है, मतलब उसकी बेस क्लास क्या है, बेस है। क्लास को स्टार्ट कर दिया, एक डेटा मेंबर ले लिया वाई के नाम से जो पब्लिक है, फंक्शन बना दिया रीड डेटा के नाम से, और उसमें वाई की वैल्यू को एंटर करा दिया। सी आउट में लिख दिया एंटर वैल्यू ऑफ वाई, सी इन से वाई की वैल्यू को एंटर करा दिया, और फंक्शन को बंद कर दिया और क्लास को बंद कर दिया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा प्रोग्राम है, रीड डाटा में हम वाई की वैल्यू को एंटर करा रहे हैं। तो ये मेरी जो डिराइव वन है, ये मेरी डिराइव क्लास है, बेस क्लास इसकी बेस है, इसमें हम रीड डाटा में वाई की वैल्यू को एंटर करा रहे हैं। उसके बाद एक और डिराइव क्लास बनाई है क्लास डिराइव टू के नाम से,
और वो किससे डिराइव हो रही है, डिराइव वन से, मतलब डिराइव टू की जो बेस क्लास है वो डिराइव वन है। तो कैसे लिखेंगे, क्लास फिर डिराइव टू फिर कोलन फिर विजिबिलिटी मोड पब्लिक है फिर ड्राइव वन मतलब उसकी बेस क्लास। तो पब्लिक टू मेरी ड्राइव क्लास होगी, पब्लिक वन मेरी बेस क्लास होगी। क्लास को स्टार्ट कर दिया, उसके बाद देखिए क्या है, उसमें एक वेरिएबल ले लिया जेड, डेटा मेंबर ले लिया जेड जो प्राइवेट है, और फिर एक फंक्शन ले लिया इन डेटा के नाम से जिसमें जेड की वैल्यू को एंटर करा रही हूँ मैं। सी आउट में लिखा एंटर वैल्यू ऑफ जेड और सी इन से जेड की वैल्यू को एंटर करा दिया और फंक्शन को बंद कर दिया। फिर एक और फंक्शन लिया प्रोडक्ट के नाम से जिसमें हम एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, प्रोडक्ट करा रहे हैं, फंक्शन को बंद कर दिया, प्रोडक्ट फंक्शन को बंद कर दिया और क्लास को बंद कर दिया। तो अभी तक मैंने इस प्रोग्राम में क्या किया है, देखिए कुछ नहीं किया, सिंपल है बिल्कुल। तीन क्लासेस बनाई है, एक बेस क्लास है, एक डिराइव क्लास है, फिर एक और ड्राइव क्लास है। एक एक्स की वैल्यू को बेस क्लास में एंटर करा दिया, वाई की वैल्यू को ड्राइव वन में एंटर करा दिया और ड्राइव टू में जेड की वैल्यू को एंटर करा दिया, और एक प्रोडक्ट नाम के फंक्शन बना दिया जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों के मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो चलिए अब हम मेन फंक्शन पर आते हैं। मेन फंक्शन बनाया, अब यहाँ पर आप देखिए फिर से, यहाँ पर सिर्फ एक क्लास के ऑब्जेक्ट आपको बनाने की ज़रूरत है। आपके पास तीन क्लासेज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तीनों क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं। जो मैंने एक बेस क्लास बनाई है उसकी जो डिराइव क्लास है तो वो डिराइव क्लास बेस क्लास के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, तो मुझे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो डिराइव टू क्लास है वो डिराइव वन से बनी है तो वो डिराइव वन क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, तो मुझे डिराइव वन का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आए डिराइव टू पर, तो मुझे सिर्फ डिराइव टू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है, और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं बेस क्लास को मतलब डिराइव को वन को और बेस क्लास को दोनों को एक्सेस कर सकती। तो देखिए यहाँ पर डिराइव टू लिखा और ए ऑब्जेक्ट बना दिया, तो हमारी जो तीसरी क्लास थी जो डिराइव क्लास थी उस डिराइव टू के नाम से सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसी के थ्रू मैं सबको कॉल करूँगी, सब फंक्शंस को। तो ए से गेट डेटा को कॉल किया, तो गेट डेटा बेस क्लास का फंक्शन था, उसको भी मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस कर सकती हूँ ए ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो गेट डेटा में एक्स की वैल्यू को एंटर करा रहे थे तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, मान लो 5 है। फिर ए डॉट रीड डेटा लिखा, रीड डेटा जो डिराइव वन का फंक्शन है उसमें वाई की वैल्यू को हम एंटर करा रहे थे तो यहाँ पर वाई की वैल्यू मान लो 10 एंटर होगी। फिर ए डॉट इन डेटा लिखा, तो इन डेटा डिराइव टू क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो सॉरी इन डेटा जो है वो फंक्शन है डिराइव टू क्लास का, तो सीधी सी बात है उसको तो एक्सेस कर ही सकते हैं ए ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर जेड की वैल्यू को एंटर करा रही थी तो जेड की वैल्यू मान लो 2 एंटर करा दी। फिर ए डॉट प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट भी डिराइव टू क्लास का फंक्शन है तो डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो ए के थ्रू। फिर प्रोडक्ट में ए एक्स वाई और जेड तीनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 10 है और जेड की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 5 × 2 × 2 5 × 10 × 2 कितना हुआ, 100 हुआ। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ गया, 100 आ गया और मेन फंक्शन को बंद कर दिया। तो ये मेरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हुआ, जिसमें हम क्या करा रहे हैं, एक बेस क्लास से एक डिराइव क्लास बना रहे हैं और उसी डिराइव क्लास से एक और डिराइव क्लास बना रहे हैं। तो इनहेरिटेंस का यूज आपको मेनली मेन फंक्शन में पता चलता है जब हम सिर्फ एक क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू में तीनों क्लासेस को एक्सेस कर सकती हूँ। तो ये मेरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप इस पे और भी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं।